वेलकम है स्टूडेंट सारे का। सो कैनेडा मेन इनटेक्स जिहड़े भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं आज का शो जरूर देखो। मेन इनटेक वास्ते टाइम बहुत घट रह गया, मेन इनटेक आलमोस्ट फिल वर्गा हो गया। सो जिन्होंने भी मे अपलाई करना है किन्ना टाइम बचता है, की कोर्स ऑफ एक्शन रहना चाहिए, डिटेल के थोड़े ना शेयर करा। अज के साथ गैसट ने वीजा ऑफिस तो सीनियर कंसल्टेंट स्नेहा शर्मा। स्नेहा जी बहुत बहुत स्वागत है। सो स्नेहा जी, मेन टेक की एग्जैक्ट सिचुएशन की है ते रिजल्ट ट्रेंड भी थोड़ा ना डिस्कस करांगे किदां दा चल रिहा। सो देखो, अगर हुण आपां मेन टेक की गल करिए तां असीं बहुत पीक ते हैगे आ। हर 10-15 दिन तक तुहानूं कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, क्योंकि कैनेडा दे विच की हैगा इस टाइम प्रेजेंटली वीजे दा पूरा बेस जिहड़ा हैगा उह तुहाडा कोर्स हैगा वा। सो कोर्स दे रेलेवेंसी होनी मस्ट हैगी आ, क्योंकि अगर आपां इंग्लिश टेस्ट की गल करिए हर स्टूडेंट हुण ईजीली क्रैक कर लैंदा न्यू एसटीएस दे रूल्स दे अंदर, और परसेंटेज हुण मैटर नहीं करदी। ईवन कि कोर सब्जेक्ट दी परसेंटेज भी नहीं मैटर करदी, गैप मैटर नहीं करता, तो सिर्फ की रह गया कोर्स दी सिलेक्शन। सो उहदे ते बिल्कुल लैक ना करो, और मोर ओवर हुण लिमिटेड टाइम इसलिए भी रह गया क्योंकि नंबर ऑफ फाइल्स बढ़ गई हैं। क्योंकि जब न्यू एसटीएस रूल आया सीगा तां किते सब दे मन च डाउट सीगा कि चलो इंग्लिश टेस्ट तां ईजी हो गया, बट की रिजल्ट्स भी पॉजिटिव आउगे। सो प्रेजेंटली वो चीज़ा भी हुण पॉजिटिव आई हैं, जो न्यू एसटीएस दे अंडर फाइल्स लगी हैं और स्टूडेंट्स दे रिजल्ट्स बहुत पॉजिटिव आया, उहदे करके हुण हर स्टूडेंट चाहे वो रिफ्यूज्ड सीगा, चाहे उहदा गैप सीगा, चाहे उहदी परसेंटेज सीगी, उह अप्लाई कर रहा। सो दिस इज़ द रीज़न कि मेन टेक हद 15 दिन भी तुसीं देख सकते हो कि कोई ना कोई कोर्स मिल जाएगा, अदरवाइज सितंबर इनटेक है। एंड मेरी एक होर एडवाइस ये है कि इनटेक जिहड़ा तुहानूं मर्जी मिले, बट कोर्स दी रेलेवेंसी ते तुसीं कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। सो स्टूडेंट्स, 4 दिसंबर नूं ये शो बना रहे हैं, तो जिवें कि स्नेहा जी ने दस्सिया हद 15 दिन तुसीं होर एक्सपैक्ट कर सकते हो कि मेन इनटेक अवेलेबल रहेगा। सो बहुत जरूरी है जो भी स्टेप लेना तुसी जल्दी लो, इस चैनल नूं जरूर सब्सक्राइब करके रखो। रेगुलरली असीं कैनेडा नाल जुड़े तमाम अपडेट थोड़े नाल शेयर करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, सत श्री अकाल जी।